सेम हैपेंड विद एल्विस का टास्क. एल्विस के टास्क में मेरा खेलने का तरीका अलग था, तेरा खेलने का तरीका अलग था. उसका मतलब ये नहीं है कि मैं टास्क को 100% नहीं दे रहा. मेरे दिमाग में वो टास्क अलग जगह पे, तो मैं वैसा उस एंगल में खेलना चाह रहा हूँ जो तेरे से मेल नहीं खाता. मैं तेरे को नहीं आके बोल रहा हूँ कि तू गलत खेल रहा है, आप समझ नहीं रहे हो. वही है ना, वहाँ पर उस चीज़ में मेरे को बहुत गड़बड़ होती है कि हर बार टास्क में ऐसा क्यों होता है, हमारी थॉट्स ही बहुत अलग होते हैं. सुन ना, क्योंकि मैं वैसा परसीव करता हूँ, मैं एक टास्क का रिजल्ट सोच के मेरा चलना होता है. अगर तू चाहता है तो मैं तेरे को मुंह पे बोल सकता हूँ कि जैसे जो ट्रक वाला टास्क था उसमें मुझे क्लियरली दिख रहा था कि एंड में पूजा जी बचेंगी, क्लियरली फ्रॉम ऑल दी एंगल्स, दो तीन बजर के बाद. अब मुझे वो चीज़ रिजल्ट बदलना था, मुझे वो रिजल्ट नहीं होने देना था. पूजा जी को नॉमिनेट करने वाला मैं इकलौता था जो मैं ब्रेसलेट लेके आया, तो ही वो हुआ, रिजल्ट चेंज हुआ, जैड बच गया. तो मुझे रिजल्ट चेंज करने में मेरे को मजा आता है, वो मेरा आउटपुट है किसी टास्क को लेके. ठीक है, तो वैसे ही मेरा उस एल्विस के टास्क को लेके भी मेरी सोच अलग थी कि मेरे को उसको नहीं बनाना. टास्क तो पूरा करो, डोंट से एनीथिंग. टास्क तो पूरा नहीं करना, आप तो उठ गए, आपने वो टास्क इनकम्प्लीट छोड़ दिया. टास्क को नहीं करो, अलग तरीके से करो, ये सारी चीजें बहुत समझ नहीं यूज कर. जो उसकी तानाशाही है, तानाशाही क्या होती है, जो मैं बोलूँ वैसा ही होगा. हुकूमत, डिक्टेटरशिप, अगर मैं उसकी हुकूमत होने दूंगा तो उसकी हुकूमत हो रही है. अगर वो जो बोल रहे हैं मैं वो रिपीट किया तो उसकी हुकूमत हो रही है. तो भले वो बात आए उसको करेक्ट करना होगा, अविनाश तुम ये नहीं कर रहे, मैं वहाँ भी नहीं खड़ा रहूँगा. वो जो बोलेगा मैं वो भी नहीं बोलूँगा. और रही बात उसके नारे लगाने की, तो बहुत दूर की बात है. तो मुझे किसी एंगल से उसकी हुकूमत रहने नहीं देनी थी, क्योंकि मैं उसको कैप्टन बनाना ही नहीं चाहता था. मेरा टास्क खेलने का तरीका अलग था, मेरा एंगल अलग था. तो मैच टास्क मैं पूरा कर रहा था भाई. बहुत डिफिकल्ट होता है सब लोगों के खिलाफ खड़े रहना, सब लोग एक काम कर रहे हैं. मैंने देखा पहले जिया कर नहीं कर रही थी, फिर जिया भी चली गई वहाँ पे, फिर मैंने देखा फलक नहीं कर रही थी, फिर फलक भी चली गई वहाँ पे, नारे मार रही है. कहीं ना कहीं इंसान की फट्टी है भाई. डर मुझे भी लग रहा था अंदर, भले मैंने चेहरे पे नहीं दिखाया हो. फट्टी हर किसी की है जब वो अकेला खड़ा होता है, सोचता है 10 बार के यार कल उठ के कुछ होगा, मेरे को ही गाली पड़ेगी. समझ रहा तू मेरा सेट ऑफ माइंड? नहीं, मैं समझ. बट मेरे को नहीं करना था, आज या पार देखी जाएगी. मेरे को गालियाँ पड़ेगी, मैं सुनूँ. मेरे को जेल में डालेंगे, मैं सुनूँ. पर मेरे को मेरा स्टैंड ही रखना था, मेरा दिल ही नहीं मान रहा था. तो मैंने वो किया जो मेरे दिल में बोला. उस वक्त मैं क्लियर था. फिर अब विथ ऑल द अंडरस्टैंडिंग, तेरे मेरी बीच में जो भी रेस्पेक्ट था, तू मेरे को अभी भाई बोलता है, मैं तेरे को अभिषेक बोलता हूँ, मैं तो ये तक बोल चुका हूँ कि मेरे भाई का नाम अभिषेक है, ये वो जो भी एक रिलेशन था है या व्हाटएवर, जिसमें आया मेरे को तैश, बट मैंने कंट्रोल किया. मेरे को नहीं और ख़राब नहीं कर रहा है, क्योंकि उस वक्त ख़राब हुआ और मेरा मैं हिला अंदर से, और मैं उसके बाद चुप हो गया था. तूने देखा मैंने तेरे को कुछ नहीं बोला, मैं बाहर बैठा हुआ था, ये लोग मेरे साथ बैठ रहे थे तो बैठ रहे थे, तेरे साथ यहाँ बैठे हुए थे तो मैं अकेला बाहर बैठा था, क्योंकि मैं हर्ट हो गया था, मैं डिसअपॉइंट हो गया था. मैं ठीक है इसको बाद में बात करेंगे, अभी मैं उस मूड में नहीं हूँ और तू उस मूड में लग नहीं रहा. उसके बाद बात नहीं हुई, पूरी रात चली गई, पूरा दिन चला गया, दूसरा दिन का टास्क शुरू हो गया. अब मेरा पहले से ही डिसाइडेड था कि मैं तो वैसे ही खेलूंगा जैसा मैं खेल रहा था, मैं उस साइड नहीं जा सकता. जैसे ही काम शुरू हुआ मैंने देखा जिया उस साइड जाती हुई दिख रही थी, फलक कहीं ना कहीं कंफ्यूज थी थोड़ी सी, मेरे को लगा वो भी शायद वहाँ चली जाए. टास्क शुरू होने से पहले मेरे को विश्वास कि आप जिस तरीके से लड़ रहे हो तो हम आपको एक गुप्त कार्य दे रहे हैं, क्योंकि आप चाहते हो तो कैप्टन ना माने. तो ये मैंने उठाया. उसके बाद तो जो बाहर किया वो तो यार टास्क में सब फेक था, मेरे को सुनाई भी नहीं दे रहा था फ्रेंडली अभिषेक तू क्या बोल रहा है, क्योंकि मेरे को मेरे दिमाग में घोड़े दौड़ रहे थे भाई. जिया अपने हाथ से खाना कैसे खिलाएगी, वो हेड मसाज कैसे देगी, और मैं 5 मिनट बुराई कैसे करूँगा, और मैं अंदर जाके 3 नॉमिनेशन निकालूंगी और तुम देखो यहाँ. भाई मैं पागल हो गया था उस वक्त. तो तू कुछ भी बोल रहा था मेरे को नहीं सुनाई दे रहा, मेरा सिर्फ ध्यान मेरे गुप्त कार्य पे. तो मैं नीचे बैठा, तूने क्या बोला, ब्रेकफास्ट काम करोगे ये करोगे, मेरे को कुछ नहीं पता. वही मैं हैरान था ना भाई, एक कुछ नहीं पता अभिषेक मुझे. मैं क्या बोला, मैं तेरे को तो जब मैं चेयर पे ही बैठा था तू लगा हुआ था, मैंने तेरे को बोला क्या मुझे लड़ने के लिए, तू जान है यहाँ से, तू जान है, तू क्यों लड़ रहा था, मैं आया तेरे पास लड़ने, तू गया मेरे पास लड़ने. अब मैं उससे अगर क्या बोलूँ, मेरे पास है नहीं परमिशन, मेरे को उसी कंट्री उसी बुराई की जानी. तेरे को लग रहा है आदमी पागल हो गया, एक ही मोनोलॉग बोले जा रहा है भाई. मेरे को नहीं पता ना ये, अरे मैं तो मैं उंगलियों भाई ये क्या बंदा है. हाँ तो मैं अपनी उंगलियों पर मिनट काउंट कर रहा हूँ अपने हिसाब से, और सुने भी जा रहा हूँ और बोले भी जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को अपना कार्य खत्म करना है. और फिर आगे कैमरा पे मेरे को बोलना था कि मेरा कार्य खत्म हो गया.
तो वो जो भसड़ हुई 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 उसके बाद व्हाटएवर हुआ, रिजल्ट आया, तुम लोगों को शौक लगा कि ऐसा हुआ था, और कहीं ना कहीं मुझे पता चला कि तू महसूस ये भी कर रहा था कि साला ये कोई गुप्त कार्य तो नहीं है, मेरा उल्लू बनेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम लोगों ने बिलीव कर लिया था जब मेरी जी और फलक से लड़ाई हुई, ठीक है, बाकी ये सब जो कुछ कर रहा है तो जब वो लड़ाई हुई तो लोगों को बिलीव होने लगा कि भाई ये तो थोड़ा सीरियस हो रहा है, मतलब मैं फलक या जिया से तो नहीं लड़ूंगा, चल जिया से अगर मेरा ऑन ऑफ चलता भी रहता है पर मैं फलक से तो नहीं लड़ूंगा। तो उसके बाद जब ये खत्म हुई, जो भी हुआ, बिग बॉस ने बोला देख मेरे को मालूम है एज अ पर्सन यू आर वेरी कॉम्पिटिटिव है, कंप्लीट हुआ है एज एन उस मामले में नहीं कि तू तेरी गेम अच्छी चल रही है, नो।